स्वागत है आपका एक और नए और शानदार वीडियोस में। मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं हरिओम के वीडियोस। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तैरना, कि अगर आप गांव में रहते हो तो आपको तैरना कितना ज़रूरी है। आपको भी पता होगा कि तैरना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि जिनकी सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछती है कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है, और अगर आपको तैरना नहीं आता हो तो फिर वहाँ पर आप आगे की ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। तो आज के इस वीडियो में जैसे हमने यहाँ पर एक डब्बी लेके रखी है, बस 5 लीटर की डब्बी है, कोई सी भी जो डेली यूज़ में रहती है डब्बी आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये रक्षा कोयल की डब्बी है, ये इसमें हमने ये दौड़ली बांध ली है। तो ये जो दौड़ली है ये हमारे जो मित्र है उनको बांधेंगे, क्योंकि पहली बार जो आप अगर ट्राई मारो तो आपको इससे डब्बी से ही ट्राई मारना चाहिए, क्योंकि ये आपको शरीर का वजन ऊपर रखेगी और इससे डर भी कम लगता है। तो ये हम करते हैं, पहले इन भैया को बांध देते हैं हम। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ये डब्बी को बांध दी है, अच्छे तरीके से, हाँ आप कर सकते हो। तो धीरे आपको पहले धीरे से उतरना है, आपको पहले नीचे नहीं कूदना है, क्योंकि आप जैसे आप नीचे कूद जाते हो तो आपका जो पानी का लेवल है वो आप पानी में ज़्यादा नीचे चले जाते हो, तो इसलिए आपकी पोजीशन ज़्यादा नीचे होती है और काफ़ी आप डर जाते हो। तो आपको पहले धीरे से उतरना है, उतर जाओ धीरे से, हाँ सीखो, चलो। ये आपको हाथ पैर काफ़ी अच्छे, अभी इस बच्चों को तैरना नहीं आता है पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से देखो ये हाथ पैर चला रहा है। बस आपको पानी को नीचे पुश करना है, कुछ नहीं करना होता, पानी को हल्का सा पुश करना होता है। ये आप उनके चेहरे पर आप हंसी देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। और काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसी स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही कम समय में आप तैरना सीख सकते हैं। जैसे तैरने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप इससे आपका जो बॉडी का फैट है वो बर्न हो जाता है, आप अगर ज़्यादा आपकी टोन वगैरह निकल रही है तो इससे ये कम हो जाती है, मसल्स वगैरह काफ़ी बैलेंस रहती है, कोई अंडरस्टैंड नहीं होती है, और इससे स्विमिंग करने से लगभग बॉडी की सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप देख सकते हो हमारे ये गांव से बाहर थोड़ा सा कुआं है, इसको में लगभग 5 से लेकर 50 लोगों तक तैरने आते हैं रोज़ डेली, और ये बरसात के मौसम में आप देख सकते हो ज़मीन के बराबर भरा चुका है। तो तैरने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जो फ़ायदा हमारे गांव के जो मित्र मंडल है वो सारे उठा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि शायद मेरे द्वारा दी गई लगभग ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उचित लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये भविष्य में भी हरिओम के वीडियोस काम आ सकते हैं तो प्लीज़ हरिओम के वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।